गाइस, दिस इज रेफ्रेटर। आज मैं आपको अपने YouTube चैनल पे मिस्टेक से ये डिस्ट्रिक्ट की स्ट्राइक और अपने चैनल पे कमेंट का लिस्ट लगाया तो उसको कैसे हटा सकते हो मैं आपको दिखाऊंगा। अपील करने के बाद भी कभी कभी वो स्ट्राइक नहीं हटते हैं, उसको कैसा री अपील कर सकते हो मैं सिखाऊंगा आपको। अगर आप चैनल पर अच्छा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए आज का स्टार्ट। देखिए, हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर। अब मैं आपको अब मेरे कौन से वीडियो पे ये डिस्ट्रिक्टेड स्ट्राइक है उसको दिखाऊंगा। फर्स्ट क्रोम ब्राउज़र ओपन करके अपने लोगो पर क्लिक करके यूट्यूब स्टूडियो पे जाना है। देखिए, हम आ गए यूट्यूब स्टूडियो पर। यूट्यूब स्टूडियो पे आने के बाद वीडियोस पर क्लिक करके वीडियोस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो काइन मास्टर का वीडियो। ये थर्ड वीडियो देख सकते हो। ये थर्ड वीडियो पे मैं केज रिस्ट्रिक्शन स्ट्राइक आया है। देखिए, 18+ ओनली है। मैं इसको अपील भी किया था, वो अपील रिजेक्ट हो गया। ये मैं मेल ओपन करके आपको दिखाऊंगा। देखिए, यही है वो ईमेल। देखिए, अपील हियर है ना ऑप्शन, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। अपील रिजेक्टेड हो गया है। आपको यहाँ कोई अपील करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसको फिर री अपील कैसे कर सकते हो मैं आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। नेक्स्ट, आप यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद अपने लोगो पर क्लिक करके हेल्प एंड फीडबैक ऑप्शन है ना लास्ट में, इस लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए, उस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको सेंड फीडबैक पर क्लिक करना है। देखिए, ऐसा इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको अपना वीडियो के बारे में लिखना है। मैं पहले से ही एक नोट बना के रखा हूँ, उस नोट को लाके मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। देखिए, मैं उस नोट को यहाँ पेस्ट किया हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसी तरह आप भी पेस्ट करना है, बट आपको इस वाले पार्ट में अपना वन वीडियो के बारे में लिखना है। देखिए, मैं सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, आप इस वाले पार्ट में आपके आपने वीडियो के बारे में लिखना है। आप ऐसे लिखने के बाद सेंड का ऑप्शन है ना, इस सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए, अपना फीडबैक सेंड हो गया है। अब यूट्यूब को फीडबैक करने के बाद आपको कुछ ही देर वेट करना है। वो 1 आवर भी हो सकता है, 2 आवर्स भी हो सकता है, या 1 डे भी हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस आपको हमारे चैनल से मिल सके।